ओके फाइन। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा वेरिएबल है क्या। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम बनाने का, और हम लोगों ने बनाया भी और देखा भी, आप लोगों ने कोशिश भी किया है रन कराने का, काफ़ी लोगों ने रन भी किया है, बेहतर है। आज हम लोग थोड़ा वेरिएबल को अंदर से समझेंगे। अंदर से कहने का मतलब है कि डिटेल में जानेंगे कि वेरिएबल क्यों बनाते हैं, उसका वजह क्या है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि डेटा स्टोरेज का क्या क्राइटेरिया है, नहीं है ये सब, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं, कहते हैं कि सबसे पहला बात है वेरिएबल। तो क्या है ये वेरिएबल जी? आई क्या है वेरिएबल? सबसे पहला पॉइंट वेरिएबल में क्या आता है कि वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, या उससे पहले यूज बात हम ये करते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें ना, एकदम आसान लैंग्वेज में, तो वेरिएबल क्या है? एक स्टोरेज लोकेशन है। क्या है? स्टोरेज लोकेशन, एक मेमोरी का एक लोकेशन है जहां पे हम कुछ डेटा रखते हैं। क्यों रखते हैं, सवाल ये उठता है। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जहां पे हम डेटा को रखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों रखते हैं, है ना। तो इसको अगर डिफिनेशन अगर बनाना हो तो क्या कह देंगे? तो इट इज अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड अ डेटा और वैल्यू फॉर फर्दर फ्यूचर यूज। बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहा, मैंने कहा कि ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जिस पे हम कुछ वैल्यू डेटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमको अभी फ्यूचर में यूज करना है। फ्यूचर में यूज करने का मतलब यहां पे क्या सेंस जाता है कि अभी हम जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो प्रोग्राम लिखने के दौरान, उसी के दरमियान हम उसका कहीं पे भी यूज कर सके। जैसे हम लोग आई बनाते थे वेरिएबल, या एन बनाते थे, या एफ बनाते थे फैक्टोरियल में कुछ किसी भी चीज में, तो उसका हम आगे यूज करते थे। ये सी प्रोग्रामिंग की बात मैं कर रहा हूं। तो उसी तरह से यहां पे भी होगा, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये बात अभी क्लियर है कि वेरिएबल क्या है? एक स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? लोकेशन है। क्या है? लोकेशन, पहली बात, ठीक। दूसरी बात क्या है? यहां पे हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए साइन यूज करते हैं, वो क्या है? डॉलर है। क्या है? इसको डॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉलर। ये डॉलर कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग को क्लियर है क्या बोलते हैं इसको? डॉलर साइन है ये। हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन साइन यूज करेंगे यहां पे, ठीक। और कोई मसला? दो बात क्लियर है। अब जरा समझिए कि जिस तरह से हम लोग डेटा टाइप सेलेक्ट करते थे सी में, इंटीजर बनाने के लिए इंट, फ्लोट बनाने के लिए फ्लोट, करेक्टर बनाने के लिए स्ट्रिंग, बनाने के लिए ही कैर का यूज करके उसमें साइज दे देते थे। यहां पे आसान कर दिया है, यहां पे कोई डेटा टाइप आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉलर साइन देंगे और बना देंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर मान लो हमको ए नाम का वेरिएबल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ए लिखेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे? 20 कर दिए। तो ये क्या हुआ? ये ए नाम का वेरिएबल बन गया जी, जो कि क्या होल्ड किया हुआ है? इंटीजर वैल्यू होल्ड किया हुआ है, इंटीजर वैल्यू होल्ड किया हुआ है, क्लियर। ए नाम का वेरिएबल बन गया जो इंटीजर वैल्यू होल्ड किया हुआ है। इसी में अगर हम ये लिख देते अपना नाम, तो अभी ये ए किस टाइप का वेरिएबल हो जाता? स्ट्रिंग टाइप का, क्लियर है। जो कि सद्दाम को होल्ड किए हुआ है। अरे है ना, सद्दाम को होल्ड नहीं किया हुआ है बेसिकली, है ना। ये जो 6 करेक्टर हमने लिखा हुआ है उसको होल्ड किया हुआ है, रखे हुआ आपने पास, ठीक है। अब अच्छा देखिए जी, हमने यहां पर लिख दिया 1.5, तो ये जो ए है किस टाइप का अभी होल्ड कर रहा है?
फ्लॉट टाइप का, क्लियर, बहुत आसान है, कहीं कोई परेशानी का सबब और मसला नहीं है। अच्छा जी, ये तो होगी तीसरी बात। चौथी बात अगर करें हम लोग तो कुछ नियम और कानून है वेरिएबल बनाने के, रूल्स। ये आप लोगों को मालूम होगा मेरा ख्याल है पहले से भी, ठीक है। कहता है कि आप वेरिएबल बनाते समय सिर्फ ए टू जेड कैरेक्टर का ही यूज करें, यानी कि अल्फा बेट का ना करें, ठीक है, उसमें नंबर यूज ना करें। क्या करें? नंबर यूज ना करें। जैसे कि 0 to 9 यूज नहीं करना है, यानी कि कोई डिजिट नहीं बन सकता है, यानी जब वेरिएबल बनाएंगे तो हम अल्फाबेट बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कर दे $1 ये बन गया वेरिएबल, नहीं, ऐसा नहीं करना कभी। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम ए टू जेड यूज करेंगे। अब स्मॉल लेटर दिल करें यूज करिए, कैपिटल लेटर यूज करें दिल करें यूज करिए, बट ख्याल रखिए कि जैसा हमने कह दिया है कि PHP केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आपने वेरिएबल बनाते समय स्मॉल लेटर यूज किया है तो उसको यूज करते समय भी आप स्मॉल लेटर ही यूज करिए। ऐसा नहीं कि वेरिएबल हम बना दिए कैपिटल लेटर से और उसका यूज कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, तो फिर केस सेंसिटिव का मामला है, मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर अनडिफाइंड वहां पे केस आ जाएगा, एरर वगैरह मारेगा खटाक खटाक। चाय में जो सुकून है उस किसी चीज में नहीं। देखिए 0 to 9 तक आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, 0 to 9 यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करते हैं तो आपका फिर तरीका बदल जाना चाहिए। यहां पे लिख देते हम डोंट यूज डिजिट। ये हट गया, अब ठीक है, डोंट यूज डिजिट 0 to 9। अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको फिर मिक्स करना होगा। मिक्स करने में कैसे करना होगा है? जैसे अगर आप वेरिएबल को मिक्स करके बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम डिजिट भी यूज करें, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं 1, ऐसे नहीं कर सकते हैं 1A। अगर आप करना चाहते हैं तो A1 करिए, कोई तकलीफ नहीं, यानी पहले अल्फाबेट को दे दीजिए, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट रहेगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट ही रखिए, उसके बाद डिजिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। वेरी गुड, अब बुझा रहा है ना? स्क्रिप्ट को इसी तरह बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए हर हमेशा? अल्फाबेट। क्या होना चाहिए? अल्फाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट ऑलवेज। क्लियर? आप डिजिट नहीं डालेंगे, है ना? डिजिट अगर देना है तो अल्फाबेट के बाद यूज करेंगे, है ना? अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट, क्या छोड़ो, लिखना क्या है, समझ नहीं गए तुम। ये हो गया। चौथी बात अगर हम लोग देखें तो क्या है? कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते हैं। कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते। डोंट यूज की वर्ड्स एज अ वेरिएबल। अब ऐसा सवाल उठता है, किसी ने कह दिया कि क्यों यूज नहीं कर सकते भाई, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? बताइए। कीवर्ड जो है रिजर्व्ड वर्ड है, यानी उसका यूज हम दोबारा किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते, उसका मीनिंग पहले से ही फिक्स्ड है,
हम उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक घर में 10 आदमी, तो 10 आदमी का 10 नाम और किसी आदमी का नाम फिक्स कर दिया पहले से, दोबारा वही नाम उसको हम दें, वही नाम किसी और को दें, तो वो घर में एडजस्ट हो पाएगा? नहीं होगा। एक घर में सेम नाम का इंसान नहीं होता, जनरली मोहल्ला में हो जाता है ना, मोहल्ला में हो जाता है। करेंगे वेरिएबल के तौर पे, इसका मेन रीजन हमने बता दिया क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है, उसका मीनिंग पहले से डिफाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा जी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, वैसा ही वो भी हो जाएगा। ये सब नियम कानून है, ये सब सी का ही चीज है, मगर फिर भी आप लोग कहें तो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। डोंट यूज ए स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर एज अ, ठीक है, डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर एज वेरिएबल, है ना? क्यों नहीं यूज करेंगे? स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या आता है जी, कोई बतावे? जी जनाब मिस्टर साहिल कुरैशी, बताइए आप स्पेशल कैरेक्टर एक दो जी। इतना गहरा मंथन में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौन बताएगा बताओ? अंडर स्कोर डॉलर साइन, ठीक, एट द रेट ऑफ प्लस माइनस, ये सब आएगा कि नहीं? स्पेशल कैरेक्टर जरा कौन बतावे हमको यार, कहे नहीं आएगा? पहले से डिफाइन है, प्लस। क्यों नहीं आएगा यार स्पेशल कैरेक्टर? वो भी तो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि उसका स्पेशल मीनिंग है। उसको भी नहीं बना सकते, कहने का मुद्दा यही था बेसिकली यहाँ पे। डॉलर तो बिल्कुल बनेगा नहीं क्योंकि डॉलर का पहले से यहाँ मीनिंग क्लियर है कि डॉलर हम लोग क्यों यहाँ पे यूज करें। वेरिएबल बनाने के लिए यूज करें तो एज अ वेरिएबल वैल्यू करें, तो जैसे इसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो भी हो, प्लस हो गया, जो कुछ भी हो, ये सब आप लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सकते, कर सकते हैं डॉलर प्लस, डॉलर डॉट, डॉलर एट द रेट, ये सब आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे। और एक बात कि आप स्पेस नहीं देंगे, जैसे कई बार मैंने देखा है काफी लोगों को कि वेरिएबल बना लेते इस तरह से, फादर और नेम बन गया भाई, फादर नेम वेरिएबल, ऐसा क्यों भाई? दो अलग अलग चीज हो गया ये, तो ख्याल रखना है कि फादर अलग और नेम अलग नहीं करें। अगर इस तरह का दिल करे फादर नेम बनाने का तो उसको सटा के करें, इनको कैपिटल कर दें। अगर और कोई तकलीफ हो रहा है तो ऐसे लिख लें, अगर ठीक लगे तो, नहीं तो बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए, लगा के करिए, नहीं तो फिर मसला आप लोगों के सामने बहुत सारा जाहिर हो जाएगा। ये था कुछ। हाँ जी, अंडरस्कोर अगर लिखेंगे तो स्पेस वहां पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ नहीं। ये एक कैरेक्टर हो, सॉरी ये एक वेरिएबल हो गया, यानी कि इसका मीनिंग एक हो गया, हमने उसको अंडरस्कोर से जोड़ दिया, हमने उसको अंडरस्कोर से जोड़ दिया, फादर को भी और नेम को भी बीच में उसको जोड़ के एक बना दिया। पहले फादर अलग था और नेम अलग था, दो अलग अलग स्ट्रिंग था यहाँ पे। अब जैसे हमने इसको अंडरस्कोर लगा के जोड़ दिया, समझ में आ रहा है? एक हो गया, स्पेस स्पेस से कोई मतलब उसको नहीं रहेगा, स्पेस आप लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर? और कोई परेशानी का सबब? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कहा है एट द रेट स्पेशल चीज है, अंडरस्कोर यूज करें। चलिए, तो अब एक हम लोग इन सारे चीजों के बारे में जो हमने जिक्र किया है
वो सारा चीज अभी हम लोग थोड़ा देखते चलते हैं। जरा इसको मैं उड़ा लेता हूँ, ठीक है, उड़ा लिया इसको। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक PHP का फाइल बनाएंगे। मॉर्निंग जी, तशरीफ रखिए। चलिए इसको हम लोग सेव कहाँ करेंगे, एसडी डॉक्स में जो अपना था। दिख रहा है कहाँ पे कैसे सेव हो रहा है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसने कोई भी एक भी PHP का फाइल और फोल्डर इसने बनाया नहीं, नहीं हमने अभी बना लेते इसके अंदर में पी। अच्छा, इसमें मैंने कह देता है, कर देना है लर्न PHP, कह देना जी लर्न PHP। कोई बात नहीं, कहीं कुछ भी बना लीजिए, ये तकलीफ वाली कोई बात नहीं। और PHP बुरा नहीं मानता और जैम भी बुरा नहीं मानता, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस नाम से बनाना चाहते हैं इसको। बस मतलब है आपका फाइल से, वो फाइल एग्जीक्यूट करा देगा, दैट्स इट। हमने बनाया जी, और हम इसमें कहेंगे variable.php जी, ठीक है जी, इंटर मार दिया हमने जी। अभी ये हमारा फाइल बन चुका है, हम लोग थोड़ा HTML लगा देना है, जो बेसिक सिंटेक्स था कह देना है वेरिएबल एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब हमने जो कहा था कि PHP का कोड लिखने से पहले PHP का टैग लगाएंगे, क्योंकि HTML पूरा टैग ही समझता है ब्राउजर, तो हमने टैग लगा दिया PHP का। इधर देख सकते हैं आप सभी लोगों को, अगर नजर आ रहा हो, मेरा ख्याल है नजर आ रहा है, ठीक है ना, गुड। तो हमने लगा लिया है, अब हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो हम क्या लगाएंगे, डॉलर। हमने कहा a इक्वल टू क्या, 10 जी, और इसको प्रिंट करने के लिए हमें इक्को लगा देना है, हमने लिख देना है डॉलर ए। क्या लिख देना है, डॉलर ए। अभी जरा बताएं, ये हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उस वेरिएबल को इक्को कराया, ठीक है। तो जैसा प्रिंटफ के अंदर में हम लोगों ने लिखा हुआ था %d करके, तो वो कोई मसला इधर नहीं, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जी। कैसा है, ये हमने बताया था पहले, PHP एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी जी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अभी हमने एक वेरिएबल इसके अंदर में बना लिया। नेक्स्ट, ये किस टाइप का वेरिएबल बना हुआ है, वेरी गुड, उसको हमने इक्को करा लिया, ठीक। अब जरा इसको हम लोग रन करके देखें। रन करने के लिए हमें सबसे पहले जैम्प को ऑन करना पड़ेगा, ये ख्याल रखें आप लोग। जैम्प इंस्टॉल है जनाब, तो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर रहे सर, कोई बात नहीं, इधर से खोल लेंगे। हम लोग को तो इसको मनाना है जिधर से मान जाए, जल से मान जाए, स्टार्ट कर लेना है जी। हमने जैम को स्टार्ट कर लिया, अभी हम MySQL को स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी MySQL पे कोई काम नहीं करना हमें, हम लोग बस अभी PHP का स्क्रिप्ट रन कराने वाले हैं। तो हमारा अभी सिर्फ ये क्या होना चाहिए, अपाची चलना चाहिए। और अपाची क्या है, बाइक नहीं है भाई यहाँ पे, ये क्या है अपाची, क्या है, वेब सर्वर है, वेरी गुड, नॉट अपाची। अब वो भी चलता है, वो सर्वर नहीं है जनाब, वो है गर्वर, किधर कब ठोका जाओगे कोई ठिकाना नहीं, ये है सर्वर, ये वेब सर्वर है, वो बाइक है, अपाची टॉमकैट इसको कई बार कहा जाता है, ठीक है, बट अपाची वेब सर्वर है ये। अच्छा, जानते हो टॉमकैट जो आता है, वो एक्चुअली देख रहे हो नीचे एक टॉमकैट है, ये JSP का फाइल रन कराने के लिए आता है, यानी कि आप अब JSP का स्क्रिप्ट भी रन कराना चाहेंगे तो आप टॉमकैट से करा सकते हैं उसको स्टार्ट करके। सर बार बार इसको स्टार्ट करना जी जनाब, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बार बार नहीं करें, तो देखिए इसमें थोड़ा सेटिंग वीटिंग करना होता है, सेटिंग लगाइए ना सर जी, लगा दें यहाँ पर, देखिए ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, तो अपाची पे लगा के टिक करके रख दीजिए।
स्टार्ट कंट्रोल पैनल मिनिमाइज, जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये मिनिमाइज होगा, आप इसको सेव कर दीजिए, आपका लैपटॉप ऑन होगा और ये चलना शुरू हो जाएगा जी। नहीं जी, मगर समस्या क्या आएगी, अननेसेसरी आपका रैम प्रोसेसर यूज हो रहा होगा। तो जिस चीज का काम नहीं है उसको बंद करके ही रखिए, क्योंकि ये हर वक्त बैकग्राउंड में चलते रहेगा, बंद तो रहेगा नहीं। तो प्रोसेसर भी यूज हो रहा होगा, रैम भी यूज हो रहा होगा, डेटा कैसे यूज हो जाएगा यार, डेटा लगाने से इसको क्या, ये लोकल सर्वर है तो इसको डेटा से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। लोकल सर्वर है, अभी नेट इसमें चल रहा है क्या, नहीं, नहीं चल रहा, तो लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर से उसको कोई लेना देना नहीं है जी। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे जी। इसको रन करवा लें, आइए जनाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा टैब ओपन है और हम इसको करेंगे क्लोज सारे को, और यहां पर लिखेंगे जी लोकल होस्ट लर्न अंडरस्कोर PHP। अच्छा जी, देख लेते रन करा के, हो सकता है हमने बाहर ही बना दिया। तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो HT डॉक्स के अंदर में इसको लेके जाना था, HT डॉक्स के अंदर ही है लेकिन सर वो। अच्छा जी, हमको हमको उसको उसके अंदर लेके जाना था PHP के अंदर। तो अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली वो फाइल का नाम लिखेंगे और रन कर जाएगा। वो तो ठीक है कर देंगे, मगर हमको वैसे नहीं करना है, इसको सेटअप ठीक तरह से कर लेना है। अभी रन कराने के लिए तो डायरेक्टली फाइल का नाम लिख देंगे तो चल जाएगा, ये अच्छी बात है, मगर हम इसको थोड़ा लर्न PHP में डालना चाहते, तो इसको उठा के इधर से किधर हो गया जी। अब जी यहाँ रिफ्रेश करेंगे जी, तो ये देखिए ये लर्न PHP फाइल नज़र आ रहा है जी, ठीक है जी, वेरिएबल PHP नज़र आ रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा जी, 10 नज़र आ रहा है आप सभी लोगों को, मेरा ख्याल है आ रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको 1 करना है, मैंने कहा था कि डिजिट से वेरिएबल नहीं बनाना, देखो 1 लिखा हमने, लिख दिया। अब इसको रन करा के कोशिश कर रहे हैं, मगर ये फर्दर आउटपुट आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी वही तो देखना है। अभी भी वो हाँ ठीक है, ठीक है, ये पहले से जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है, हटाया नहीं, चलिए हटा देते इसको। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, हमने HD डॉक्स वेरिएबल के अंदर इसको में एडिट कर रहे हैं, जबकि फाइल तो चेंज हो गया, तो फाइल हमें पहले बदलना पड़ेगा। अच्छा जी पहले चले वहां पे, हमने लोकेशन गलत रखा हुआ था फाइल का, इस वजह से ऐसा हुआ। आप लोग कभी साथ होगा ये चीज तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकेशन ही गलत था, मैंने फाइल दूसरा एडिट करना शुरू कर दिया, जबकि वह फाइल ये एडिट होना चाहिए था, दिख रहा है, इसीलिए वो सही आउटपुट ही दे रहा था। मैं खुद टेंशन में आ गया, ये क्या हो रहा है भाई। कह क्या रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 1 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल, ये और ये देख रहे हो लाइन नंबर 8 पे एरर है। इसमें एक चीज अच्छा है कि कहां एरर दिखाता है जी, सब में दिखाता है, देखने वाले का नजर चाहिए, नजर तेज होता है देख लेता जी 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 जी, आपका तो ज्यादा ही नजर तेज है, आप जनाब बेहतर नजर रखते हैं देखने का, आपके अंदर देखने का सहूलियत थोड़ा ज्यादा है जी जी।
हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि आपके अंदर देखने का सहूलियत थोड़ा अच्छा है। देखिए डबल डबल डॉलर यूज कर रहे, एक डॉलर हो गया किसके लिए? वेरिएबल बनाने के लिए, आई वेरिएबल का नाम। तो क्या पॉसिबल है ऐसा? चेक करें। फिर से वही मारा, आके आपने गलत तरीका लिया है जी, सिंटेक्स गलत है जी। और हमने कहा था कि प्लस यूज करके देखिएगा जी, ध्यान दे इधर जरा। देखिए कह रहा है कि प्लस भी आप यूज नहीं कर सकते। जो बातें हमने बताई वो अभी इधर फॉलो अप हो पा रहा है। हमने कहा कि A1 यूज करिए, A1 काम करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल कर रहा है। बट A1 काम क्या, बट अनडिफाइंड वेरिएबल A। हाँ क्यों, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमने A1 बनाया और यूज किसको कर रहे हैं? तो ये भारी ब्लंडर मिस्टेक है, इसको ठीक करना पड़ेगा जी, ये भारी मिस्टेक जी। इस उम्र में होता है, क्योंकि आपका नजर देखने का जो सहूलियत है जनाब बहुत ही बेहतर है। जी आइए, अब क्या है कि ये हो गया। अब इसमें हमने केस सेंसिटिव का मामला देख लेना है। इसको कैपिटल A1 कर दीजिए और देखिए क्या काम कर रहा है। पहले चेक कर ले रहे इसको, देखिए कह रहा है कि A1 आप ऐसा यूज कर रहे हैं तो इसीलिए मसला हो गया। तो केस सेंसिटिव है तभी तो, नहीं तो यूज हो जाता ना जी। अब इसको ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल कर जाएगा जी। अच्छा जी, अब चलिए इसी में हमने क्या रखना है, 1.5 रख देना है। देख कैसा हो गया जी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इसी में हमने अपना नाम रख देना है जी, सुंदर सा। जा बाहर भाग रहा है। बेहतर आ, यही तो खासियत है, यही तो PHP का अपना वजूद और खासियत है। कहता है कि आप इतना तमाशा मत लिख करिए, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग मत लगाइए, आप सिर्फ लिख ना दीजिए, बाकी मसला तो हम खुद समझ लेंगे। जैसे आप कहते हैं भेज ना दीजिए खाली कचहरी चौकवा पे, उसके बाद तो हम समझ ही लेंगे। जी ये ऑटोमेटिक करता है, इसको डिजाइन ही और उस तरह से किया गया है, बनाया ही उसी तरह से गया है। अब हमने सिंगल कैरेक्टर भी पास कर दे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दिखा, कोई परेशानी कोई सबब जी, परेशानी का कोई सबब नहीं है, बेहतर। देख ले इधर जी, अब वेरिएबल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आज का हो गया जी। आप सभी को कोई मसला? तो आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जाए जी, धन्यवाद।